बिग बॉस कंटेस्टेंट और टीवी एक्टर अली मर्चेंट 38 साल की उम्र में तीसरी बार शादी रचाने जा रहे हैं। अली ने दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने अपनी 12 साल छोटी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है। अली पहले ही 2 बार शादी रचा चुके हैं। उनकी पहली शादी बिग बॉस के घर में सीरियल विदाई की एक्ट्रेस सारा खान से हुई थी। अली और सारा साल 2010 में बिग बॉस के 4th सीजन में आए थे। दोनों के बीच प्यार का परवान चढ़ा और फिर बिग बॉस के शो में दोनों ने काजी को बुलाकर शादी रचा ली। इसके बाद शो के अंदर दोनों के लिए सुहागरात का इंतजाम किया गया। दोनों ने इतने कैमरों के बीच सुहागरात भी मनाई, जिसे लेकर उस वक्त देश भर में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। बिग बॉस से निकलने के बाद अली और सारा की शादी 4-5 महीने भी नहीं चली और 1 साल बाद 2011 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद अली का दिल फिर से डोल गया और 2016 में उन्होंने कॉरपोरेट प्रोफेशनल अनम मर्चेंट से शादी रचा ली। लेकिन इस शादी में भी मुश्किलें पैदा हो गईं और इसके बाद अली और अनम ने साल 2021 में तलाक ले लिया। अब अली ने तीसरी बार दूल्हा बनने की तैयारी कर ली है। अली की नई गर्लफ्रेंड का नाम अंदलीब जैदी है। अंदलीब पेशे से मॉडल हैं और टॉप डिजाइनर्स के साथ काम करती हैं। वो फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। अली और अंदलीब की उम्र में 12 साल का अंतर है। अली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों वोट में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अली अंदलीब को प्रपोज करते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती हैं और फिर अली उनकी उंगली में अंगूठी पहना देते हैं। प्रपोजल के दौरान अंदलीब और अली इमोशनल भी हो जाते हैं। अली शायद टीवी के पहले ऐसे एक्टर होंगे जो 38 साल की उम्र में ही तीसरी बार शादी रचाने जा रहे हैं। हालांकि सवाल तो ये भी है कि जब अली की 2 शादियां नहीं टिकी तो तीसरी टिक जाएगी, इसकी भी क्या गारंटी है? और अगर तीसरी भी टूट गई तो क्या अली 4th बार भी शादी रचाएंगे? वेल, आपका क्या कहना है इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।